है, लेकिन अभी भी इंसानी आंख 30 या 35 मिनट से ज्यादा मुसलसल जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देख सकती। तो इन द एंड हमें क्या करना पड़ता है कि वो प्रिंट करके पढ़ना पड़ता है। तो आजकल के मॉडर्न टाइम में ये हैबिट, अगर शफलिंग की बात की जाए, ये हैबिट जो है बुक की तरफ ज्यादा है या उस तरफ ज्यादा है? देखिए आप, वो भी बुक्स हैं, आप देयर आर नो पैरेलल लाइब्रेरीज, क्या आप कहेंगे ऑनलाइन लाइब्रेरीज या आप कहेंगे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। हम उसके मेथड ऑफ टर्मिनोलॉजी की बात करें, दो टर्मिनोलॉजी हमें डिफरेंट मिली है, हम इनकार करें ना करें, टेक्नोलॉजी ने ऐसी चीजें ईजाद कर दी है जो हमें दो ऑप्शंस दे देती है, आइदर वी हैव द हार्ड कॉपी, आइदर हैव वी द सॉफ्ट कॉपी। देखिए जो सॉफ्ट कॉपी है उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि वो आप रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है, तो मैं यहीं से बैठा हुआ या अपने मोबाइल से मैं जो है जितनी ऑनलाइन बुक्स हैं वीपीएन के थ्रू एक्सेसिबल हैं, तो वो मैं, मेरे पास 170,000 किताबें मैं यहीं से बैठ के पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो हार्ड कॉपी है उसके लिए आई हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, फिजिकली वहाँ से जाना पड़ेगा, आपको वो इशू करा के लानी पड़ेगी। फिर ऑनलाइन का ये फ़ायदा हो गया है कि अगर एक जर्नल या किताब पाकिस्तान में नहीं है या हमारी लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, पर दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अगर वो ऑनलाइन है तो वो हम वहाँ से कर सकते हैं, ये बाउंड्री लेस हो गई है। अच्छा सुरैया साहब, हम रीडिंग हैबिट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज और या बुक्स हो, हम ये कहें कि क्या जो फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक्स होती है, क्या ये रेगुलरली अपडेट होते हैं? आई मीन अगर मैं जाऊँ और 6 महीने पीछे कुछ ही वाक़ात, किसी हालात को या किसी ऑथर की बुक सर्च करना चाहूँ, तो हमारे फिजिकल जो लाइब्रेरीज हैं, जो बुक्स जहाँ पे होती है, मेंटेन होती है, क्या रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं? इसमें थोड़ा सा शायद मिसअंडरस्टैंड हम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज़ हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूनसिपल लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। अब अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करें तो वो उनकी हालत भी बेहतर हुई है, उनमें अपडेटेड नॉलेज भी मौजूद है, अपडेटेड बुक्स भी मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉलेज लाइब्रेरीज और जो स्कूल लाइब्रेरी, जिसकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो अहमियत है, आपको स्टार्ट करना है, आपकी रीडिंग हैबिट पे बात करते हैं तो वो आपको वो उस स्टेज से स्टार्ट करना है जब वो बच्चा अभी पढ़ना लिखना सीखता है, साथ साथ आपने उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो वो स्कूल से होगी। और स्कूल लाइब्रेरीज़ का हाल जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आप फिर भी बेहतर, उन्होंने अटैच करना शुरू की हैं लाइब्रेरीज़, गवर्नमेंट सेक्टर में ये हाल है कि जो पहले मौजूद भी थी उनको भी लॉक लग चुके हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर तो आप एक्सेस की तो अपडेटिंग की तो बाद में बात करेंगे ना, उसकी पहले तो एक्सेस की बात है। तो ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं वो बेहतर भी हो रही हैं, उनमें अपडेटेड नॉलेज भी मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज भी मौजूद है, उसमें हार्ड फॉर्म में भी अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो बड़ी पैथेटिक सूरत हाल लोअर स्ट्रक्चर पे। अच्छा मैडम, ये जो बात हुई कि अब हमारे पास लाइब्रेरीज़ की अगर लॉक्ड हैं या बंद हैं या हमें अपडेटेड बुक्स नहीं मिलती, क्या तवज्जो हट रही है, क्या इन्वेस्टमेंट का जो असल तरीक़ेकार है वो लाइब्रेरीज़ की तरफ नहीं आ रहा, क्या लाइब्रेरीज़ तवज्जो का मरकज़ नहीं रही? तवज्जो का मरकज़